है गाइस, तौकीर हेयर। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि यूपीएससी का जो काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, उसी से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए काउंसलिंग करने के लिए, कब तक डेट रहने वाला है, कितना फ़ी पे करना पड़ेगा, किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो चलिए फिर आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ और कम्प्लीट दिखाता हूँ कि क्या इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश किया अपने वेबसाइट पर और कैसे आपको वहाँ से सारा कुछ प्रोसेस करना है। तो चलते हैं वेबसाइट पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ गए हो, इनका ये वेबसाइट है, मैं ये इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हो या फिर AKDU काउंसलिंग करके जाना तो ये फर्स्ट ऊपर में ही आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है uptac.admission.nic.in, ठीक है। तो यहाँ होम पेज पे जैसे इन्होंने लेटेस्ट न्यूज़ निकाला हुआ है कि इन्फॉर्मेशन वाउचर है, इस पर मैं क्लिक कर लूँ तो इनका इन्फॉर्मेशन वाउचर है, इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो कि 20 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप लोग का बहुत सारे लोग बच्चों का मैसेज आ रहा था कि कब लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म फिल करना है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, सारा कुछ आपको एक वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। बाकी कैसे कॉलेज का रैंकिंग आपको डिसाइड करना है उसके लिए मैं सेकेंड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है इस वाले PDF में आपको आगे मैं दिखा दूंगा हाईलाइट करके, ठीक है। यहाँ पे है कैंडिडेट एक्टिविटी एंड बोर्ड, तो वही है। यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड में अबाउट में UPTET, पहले UPSEE ये लोग नेम देते थे, इस बार UPTAC नेम दिया हुआ है। इसको बहुत सारे लोग UPTU का काउंसलिंग भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग AKTU का बोलते हैं, तो इस बार इन्होंने UPTAC नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में से आपको जो भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट है इस बार एडमिशन जो देंगे UPS जो काउंसलिंग के थ्रू, तो यहाँ पे आप आओगे तो KYC नो योर कॉलेज करके यहाँ पे इनका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज है और सिटी वाइज है, और उसके बाद किस टाइप का कॉलेज देख रहे हो आप, गवर्नमेंट प्राइवेट, तो यहाँ से भी आप कॉलेज को सर्च कर लेते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, और कॉलेज टाइप में मैं ऑल कर लेता हूँ या फिर चलो मैं प्राइवेट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और यहाँ मैं BTech सेलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे सर्च करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी कॉलेज हैं, यहाँ पे इनके अल्फाबेटिकल सभी कॉलेज के लिस्ट आ गए हैं, तो आप जाके यहाँ से भी कॉलेज का डिटेल देख सकते हो। देन आपको ये रेगुलर वेबसाइट विजिट करना चाहिए, यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट यहाँ पे आता जाएगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पे पाओगे ई सर्विसेज में, तो आपको नीचे आएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, इस पर आप क्लिक करते हो तो पिछले ईयर 2021 का आपको यहाँ पे देख सकते हो, पिछले ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पे जो शो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि आपका कितना रैंक है इस बार JEE में। और इस PDF का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहां से जाके भी आप देख सकते हो या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी आकर देख सकते हो। तो यहां पे जो भी कॉलेजेस हैं, मैं यहां पे लिस्ट है पिछले साल का जो उनका किस ब्रांच का कितना ओपनिंग था, कितना क्लोजिंग रैंक था, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप में खोल रहे हो या फिर फ़ोन में खोल रहे हो तो यहां पे, या तो आप ऐसे मैनुअली भी चेक कर सकते हो, अप्रॉक्स 85 पेज का है, या फिर कंट्रोल F क्लिक करते हो लैपटॉप में और यहाँ पे आप नाम डालते हो तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे वो गलगोटिया कॉलेज आप सभी ने नाम सुना होगा, उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सभी ब्रांच के लिए यहाँ पे शो कर दिया है पिछले साल का, तो आप जाके यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक रैंकिंग के बेसिस पे ग्रेटर नोएडा में और दिल्ली NCR के अंदर जो भी AKTU के कॉलेजेस हैं उनका क्या रैंकिंग है, कैसे आप चॉइस फिलिंग में डालोगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं और आगे का क्या है। तो चलिए देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा जहाँ से आप जाके इसको देख सकते हो। थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। तो वीडियो में आप आखिरी तक बने रहे, आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। ये इनका PDF है, अप्रॉक्स 23 पेज का है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप इसको पढ़ सकते हो तो। तो इनका ये 2022-23 सेशन का ये PDF है जहाँ पे एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर एंड एडमिशन फॉर सेकेंड ईयर, इसको बोलते हैं लेटरल इंट्री, जो डिप्लोमा करके आए हुए होते हैं उनके लिए, ये सभी चीज़ को इसमें इन्होंने कवर किया है। और काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म फिल करना है आपको मैं पहले ही बता दिया था, होम पेज पे ही इनका फॉर्म है। जैसे सेकेंड वाला आप क्लिक करोगे ना लिंक, यहाँ पे
ओपन करोगे आप तो यहाँ पे इनका फॉर्म फिल हो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप जाके जेई मेंस के थ्रू यहाँ पे देख सकते हो यूपी टीएससी 2022 बीटेक काउंसलिंग जेई मेंस के थ्रू ये ले रहे हैं। यहाँ पे जेई मेंस का आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, अगर पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड पे करके ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करके आप वहाँ से पासवर्ड सेट कर सकते हैं और फिर लॉगिन कर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन यहाँ जो नीचे शो कर रहा है इसको करके साइन इन करेंगे, देन आपको पैनल खुल के आएगा। वहाँ पे आपको कॉलेज को प्रायोरिटी वाइज आपको सेट करना है, कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच के लिए आप इंटरेस्टेड हो, और बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को सेट करना होगा। तो चलिए पीडीएफ में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे इनका हेल्प डेस्क नंबर है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ इनका हेल्प मिलता नहीं है यहाँ से। आप मेल भी करोगे तो शायद ही रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में इन्होंने अप्रॉक्स 24 पॉइंट है, तो सभी को कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं मेन पॉइंट को कवर कर लेता हूँ, बाकी आप इस पीडीएफ को ओपन करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन कैन मेड ओनली ऑनलाइन, ऑनलाइन के मोड में ही इनका काउंसलिंग है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, ये वेबसाइट दिया हुआ है जहाँ से मैंने आपको ये जस्ट आपको दिखाया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी को पता है 31 से काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और 20 सितंबर तक ये चलने वाला है। कॉलेज का जो काउंसलिंग का चार्ज है 1000 रुपीज़, उसको आप पे कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी के लिए इन्होंने सेकेंड पॉइंट दिया हुआ। थर्ड पॉइंट जो है उसमें इन्होंने ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट शुड रीड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर केयरफुली। अगर जैसे आपका कोई कैटेगरी है उसके लिए आप एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म को कंप्लीट रीड करिए, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इनका फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका डोमिसाइल अगर यूपी है, यूपी से आपने 12th पास किया है, तो आपको डोमिसाइल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आउटसाइड यूपी है, जो यूपी स्टेट से अदर है, अदर के जो स्टूडेंट है, उनको डोमिसाइल अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड जब उनका सीट अलॉटमेंट होता है उस टाइम पे उनको डोमिसाइल लेकर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इनका ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि अगर आप यूपी से बाहर के हो तो आप इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, मींस वही फोर्थ का ही पार्ट है ये, ठीक है। सिक्स पॉइंट इनका ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर देते हो तो आपको जो कन्फर्मेशन पेज है उसको प्रिंट आउट करके कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट आउट कर सकते हो आपको रखने के लिए। और उसके बाद मैंडेटरी पॉइंट मैं देख लेता हूँ थोड़ा जल्दी से। तो यहाँ पे नाइन्थ पॉइंट में इन्होंने बोला है कि 20% जो टोटल सेक्शन सीट अवेलेबल एडमिशन फॉर द फर्स्ट ईयर इन ऑल कोर्स इंस्टीट्यूट अफिलेटेड टू एक्यूटी विदाउट रिजर्वेशन सब्जेक्ट रिलेटेड कंडीशन इन द इंफॉर्मेशन वाउचर, ठीक है। मतलब 20% जो है वो नॉन रिजर्वेशन के लिए उनका अवेलेबल सीट है। उसके बाद 10 नंबर दे रही नो एज लिमिट। हाँ, ये भी होता है बहुत सारे बच्चों का कि एज लिमिट क्या है, तो इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया 10 नंबर पॉइंट पे, देयर इज नो एज लिमिट फॉर द एडमिशन टू द कोर्स कवर्ड इन दिस काउंसलिंग इन द काउंसलिंग, ठीक है। तो कोई एज लिमिट नहीं रहने वाला है। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12 नंबर पे, इन्होंने लिखा है कैंडिडेट फिलिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन इमेज ऑफ लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, एप्लीकेशन फॉर्म हैविंग द ब्लर फोटोग्राफ आर एबल टू बी रिजेक्टेड। मतलब आप जो फोटो अपलोड करना है वो क्लियर होना चाहिए एनएस, और जो आप सिग्नेचर करके डालने वाले हो वो भी पूरा क्लियर होना चाहिए, ब्लर होगा तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब सिंपल सी चीज़ है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो उसके बाद सीट अलॉटमेंट के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा उसके लिए मैं एक वीडियो और लेके आ जाऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एट द टाइम ऑफ ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वहाँ के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 13 नंबर पे कि अगर आप किसी कैटेगरीज वाइज या सब कैटेगरी में अगर आते हो तो उसमें आपको जो सर्टिफिकेट देना होगा, अगर ओबीसी कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको 1 अप्रैल के बाद का देना पड़ेगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रख लें क्योंकि अभी टाइम है, आप बनवा सकते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको 17 नंबर पे, द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ द काउंसलिंग इज 1000 रुपीज़। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि पे आप कैसे कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। तो इस चीज़ का इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है, तो इसको आप ध्यान में रखना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 21 नंबर पे, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है द फी पेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग बाय द कैंडिडेट
आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट विल बी फोरफिटेड एंड विल नॉट बी रिफंडेड एनी सर्कमस्टांसेस इफ इन केस ऑफ विड्रॉल फॉर्म काउंसलिंग एज पर शेड्यूल। अगर काउंसलिंग का फॉर्म, अगर वो विड्रॉल का फॉर्म डाल देता है तो हो जाएगा वापस। इवन द कैंडिडेट डू नॉट रिपोर्ट द एडमिशन टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर आप जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे आप नहीं जाते हो तो आप जो भी फी पे किए रहोगे वो रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनका बेसिक सा था, उसके बाद आप इसको और भी देख सकते हो, ठीक है, और डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है NRI के लिए क्या है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो ये सबको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं आप इस फॉर्म, इस PDF का लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप जाके डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो है 23 पेज का है और लास्ट में कुछ फॉर्म भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से भी प्रिंट आउट करके उस फॉर्म का अगर आपको यूज़ हो रहा है तो उसको फिल कर सकते हो। तो फाइनल ये ओवरऑल थोड़ा लेंदी वीडियो हो गया लास्ट में, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना आपको ज़रूरी था, क्योंकि इस टाइप का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं और बहुत सारे ऐसे गांव से भी बच्चे होते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होते हैं, या फिर उनको लैक ऑफ नॉलेज, या फिर वो नहीं समझ पाते उस चीज़ को। तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया है। बाकी और भी कोई अगर इशू होता है, कोई भी अगर क्वेरी होता है रिलेटेड टू कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपने हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी जाके आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वहाँ पे मैं ये बता रहा हूँगा कि आपको क्या चॉइस फिलिंग में कैसे रैंकिंग देना है कॉलेज का, और टॉप जो कॉलेजेस है सिटी वाइज, दिल्ली जैसे नोएडा का हो गया, ग्रेटर नोएडा का हो गया, गाज़ियाबाद का हो गया, यहाँ पे कुछ डिमांडिंग कॉलेज सब है, या उसके बाद ओवरऑल जो गवर्नमेंट एकेडमी के अंदर जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, उस सारे के कंप्लीट डिटेल मैं लेके आ रहा हूँगा, जिसमें प्लेसमेंट है ना, एवरेज पैकेज क्या लग रहा होता है, क्या फ़ी है, क्या हॉस्टल है, सारा कुछ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।